साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने काफ़ी सारी कंट्रियों में जॉब से रिलेटेड इंक्वायरी देता हूं आप लोगों को कि अगर आप जिस कंट्री में जिस जॉब से रिलेटेड आप इंक्वायरी करना चाहते हैं या जॉब जाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से क्या बेनिफिट होते हैं, कितना क्या मिलता है। अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो आपको सच्चाई से कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए आज अपन बात करेंगे कुवैत जॉब रिगर से रिलेटेड। अगर आप रिगर के जॉब में जाना चाहते हैं तो साथियों वीडियो पूरा देखिए, लाइक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके की सही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं रिगर जॉब इन कुवैत से रिलेटेड। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, मेरे व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहते हैं सर रिगर से, पता नहीं कौन सी कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड जितनी भी जॉब होती हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि सैलरी बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बाकी इतना नहीं आता कि डबल डबल कर दे, 100 की जगह 200 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप रिगर के जॉब में कुवैत जाना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस बता दूं किस तरह से क्या होता है, किस तरह से आपको जॉब मिलेगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। पहले बात करते हैं आपको वर्क, रिगर में काम क्या आपको करना पड़ता है। भाई रिगर में कौन सा काम होता है, ये मान लीजिए क्रेन का ही दूसरा रूप होता है। जैसे क्रेनें होती हैं, क्रेन में रिगर का काम होता है। एक वायरलेस ऑपरेटर होता है, वो भी रिगर का काम करता है। जो वजन उठाने का इधर उधर से रिगर से सामान इधर उधर करते हैं वो भी रिगर से रिलेटेड होता है। रिगर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काम होते हैं। तो ये काम देखने में तो ईजी है लेकिन वैसे बड़ा हार्डली जिम्मेदारी का काम होता है। इसमें थोड़ी सी भी अगर बंदा लापरवाही कर देता है तो किसी की जान भी जा सकती है रिगर के काम में, क्योंकि ये वजन ढोने का काम आता है। मशीनों से क्रेनों से वजन ढोना पड़ता है और उसमें पूरी ईमानदारी के साथ डेडिकेशन के साथ जॉब करना पड़ता है। कोई मशीन अगर टाइम पे अपन ने इशारा गलत कर दिया ना तो वो कुछ गलत हो सकता है। तो ये आपको इसमें काम करना पड़ेगा। अब वीज़ा की बात कर लें साथियों, तो वीज़ा सिंपल सी बात है कि वीज़ा रिगर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर ये जॉब आते हैं, बाकी और भी बहुत सारी कंपनियों में रिगर से रिलेटेड जॉब होते हैं। तो इसमें मिनिमम 2 साल का आपका वीज़ा रहेगा, ठीक है। 2 साल का वीज़ा कंपनियां देती हैं, आने जाने की टिकट वगैरह मिल जाता है, ये इसका वर्क परमिट वीज़ा में ये जॉब मिलता है आपको। सैलरी की बात कर लें तो साथियों अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो रिगर में लगभग 150 केडी तक सैलरी आराम से इसमें मिल जाती है, कईयों में 10-20 ऊपर भी हो जाती है। बंदे को देखो रिगर, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें हर चीज़ में एक्सपीरियंस्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 200 केडी तक भी लोग लेते हैं। अब कई लोग बोल देते हैं सर हमें तो ज़्यादा मिल रही है, हमें तो कम मिल रही है, आपने तो ये बोल दिया। ये सब भाई एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। एक्सपीरियंस आपके पास है, एक रिगर आदमी 7-8 साल से काम कर रहा है तो वो मान लीजिए 250-300 केडी भी लोग कमा लेते हैं, ठीक है। उसके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो एक फ्रेशर बंदा है तो उसको कम मिलेगा, सच्चाई बात ही है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सैलरी रहती है, एक नया बंदा 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है, ठीक है। अब बेनिफिट की बात करें, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको फूड मिलता है, सीधी सी बात है, रूम अकोमोडेशन आपको मिलता है, मेडिकल मिल जाता है, इंश्योरेंस कुवैत का जो लेबर लॉ होता है उसके हिसाब से आपको पूरा सिस्टम कंपनी की तरफ से बिल्कुल देना पड़ेगा कंपनी को। रहने का मतलब रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस बीमा वगैरह सब कंपनी की तरफ से हो जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जॉब मिलेगा कैसे। यहाँ ये 5 नंबर जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट ये है कि ये जॉब कैसे मिलेगा, क्योंकि लोग तो कमेंट व्हाट्सअप कर देते हैं, इधर उधर से वीडियो बना के डाल देते हैं हमारे पास जॉब आया जी, घर बैठे जॉब मिल जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है भाई। सच्चाई दूसरी है। फर्स्ट बात तो ये कि रिगर का जॉब इंडियन एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत कम कंपनियां लेती हैं। आप यहाँ से दूसरी ट्रेड में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ जाके आप काम पकड़ते हो, आपको काम आता है, आप रिगर का काम कर रहे हो, फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपका प्रमोशन हो जाता है कंपनी में। तो एक तो तरीका होता है वो। दूसरा तरीका, इंडिया में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस वैलिड, अगर आप रिटर्न हो, जीसीसी आपके पास लाइसेंस है रिगर का, या बाहर से रिटर्न हो, तो जॉब सेकंड टाइम आसानी से मिल जाता है, सैलरी भी अच्छी लग जाती है सेकंड टाइम जब भी जाते हो, क्योंकि आपके पास बाहर का एक्सपीरियंस है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो कंपनी फिर बढ़ा के सैलरी अच्छी दे देती है, ठीक है। दूसरी, इंडियन एक्सपीरियंस से भाई रिगर, आप इंडिया में रिगर का काम कर रहे हो लेकिन इंटरव्यू दे के अगर आप जाते हो, मान लीजिए कि कहीं पर इंटरव्यू आया हुआ है, इंडियन एक्सपीरियंस कहीं पर मांगते हैं, तो उसमें आपके चांसेस हैं जॉब लगने की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको ये जॉब मिल सकता है, बाकी आप घर बैठे ऑफर लेटर ले रहे हो ना और लोग बना के भेज रहे हैं तो वो 100% फेक है,
उसमें आपको जॉब नहीं मिलने वाली। हाँ उतने महीने पर आप खुश रह सकते हो कि ये देखो हमारे तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, हमारा वीज़ा आ रहा है, हम जा रहे हैं, 20-30 हज़ार दे दो, इतना तक हो सकता है, बाकी सच्चाई ये नहीं है। आपको जॉब अगर पहुंच भी जाते हो तो वो जॉब नहीं मिलने वाला जिस उम्मीद से आप जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कुवैत में रिगर से जॉब से रिलेटेड जाना चाहते हो तो इस तरह से प्रोसेस होता है, तो बिल्कुल ठीक है। सैलरी मैंने बता दी, मैंने मेरे हिसाब से वीडियो में बता दिया साथियों, फ्राइडे की छुट्टी होती है, जुम्मे की 30-40 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है, वर्क परमिट वीज़ा इंटरव्यू देके जाओ, रिटर्न होते हो उसकी सैलरी ठीक मिल जाती है, फ्रेशर में कम मिलती है, लेकिन वो काम एक नंबर में तब भी होगा जब आप इंटरव्यू देके जाओ, ठीक है साथियों। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज़्यादा इंक्वायरी और लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।